अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। देखो आज मस्जिद नबवी का नज़ारा देखो। आज 21 अप्रैल 2023 ईद उल फितर की नमाज, ये देखो यहाँ पे कैपेसिटी 10 लाख की बताते हैं चारों तरफ इसके अंदर बाहर मिला के, लेकिन आज बाहर रोड तक देखो कितना आदमी खड़ा है। यहाँ पे बहुत ही आदमी बाहर तक खड़ा है, यानी ये देखो आप मस्जिद बिलाल की तरफ और ये जो मस्जिद है गमामा है उधर की तरफ पूरा एकदम फुल है, निकलने की भी जगह नहीं है। इतना रश था आज, बहुत ही रश था, यानी डबल आदमी मान के चलो आज कि कम से कम 15 लाख आदमी जो है आज ईद की नमाज पढ़ने के लिए आया है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं साइड बाई साइड ये देखो। और मैं गया 4:45 तकरीबन 45 मिनट हो रहे थे मैं पहुंचा, तो मुझे भी बाहर जगह मिली है, यानी 2 घंटे पहले मैं पहुँचा ईद की नमाज से, तब भी मुझे बाहर जगह मिली 2.5 घंटे पहले। और बाहर जो नया बनाया साइड में वहाँ पर यहाँ पे मैं भाई जगह है जो 7-8 नंबर जो गेट है उसके बाहर जो नया बनाया है अभी मस्जिद नबी के बराबर मुझे नई जगह बनाई है अभी नमाज पढ़ने के लिए हरम की, तो वहाँ पे मैं बैठा, वहाँ जगह मिली मुझे 4:45 पहुँचने के बाद, और लोग 5-5 घंटे पहले के आए हुए यहाँ पे। ये लगा लो कितना रश था माशाल्लाह, कितनी तलब होती है आदमी को हरम में नमाज पढ़ने की, 5-5-6-6 घंटे पहले आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो नमाज होती है ना वो इशराक के बाद होती है, फ़ौरन इशराक का जब टाइम होता है ना, वो जो टाइम ख़त्म होता है 10-15-20 मिनट का, उसके बाद फ़ौरन जिला नमाज हो गई। अंदर जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं छोटा इंडिया छोटा पाकिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश हर कंट्री का आदमी यहाँ पर मिल जाएगा बंगाली मार्केट में, यानी हर कंट्री का आदमी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल होती है आपकी, देश में जो मिलती है ना जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है बहुत आसानी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश है, ये बंगाली मार्केट है तो अभी तो ये सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, बल्दिया वाले ने बंद कर दिए, तो ईद की वजह से कुछ खुली हैं थोड़ी बहुत। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी मार्केट थी। ये सब माशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं और गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हैं टैक्सी होगी अपने अपने रूम पर जाने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत ही रश था आज हरम में बहुत ज़्यादा, यानी 10 लाख की कैपेसिटी है और उसके डबल थे आज।